चलिए बेटा अब 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे 6.1 से पहले हमने सारा ब्रीफ पढ़ा था, क्या हमने 6.1 में करना, उसी हिसाब से 6.2 का पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। अब इस एक्सरसाइज में हमने जो बात करनी है ना बेटा, वो पैरेलल लाइंस के बारे में बात करनी है कि अगर लाइन पैरेलल है तो हमारे कौन कौन से एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, किन का सम 180 होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और तो आपने ये वाला काम 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 7th से पढ़ते आ रहे हो इवन। ठीक है, बट स्टिल चलो अगर कुछ मिसिंग है, किसी को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो वो अब समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपने सबसे पहला यहाँ पे ध्यान रखना है वो इस बात का रखना है कि यहाँ पे लाइंस क्या रहेंगी मेरी पैरेलल। पैरेलल मतलब कौन सी लाइन, बताइए पैरेलल मतलब कौन सी लाइन, सिर्फ प्रॉपर्ली और अटेंटिव यू सुन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल लाइंस मींस कौन सी लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब वो कभी भी मीट नहीं करेंगी। ठीक है, तो हमारी ये पैरेलल लाइंस होगी बेटा। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस को जो लाइन कट करती जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ पर मैं ये मान के चलूँ अब लाइन है तो ऑब्वियस ही बात है हम इसको किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इधर से ये भी एक लाइन है, यहाँ पे मैं ये मान के चली ये एल एम एन, मतलब मेरा एल इज पैरेलल टू एम और जो मेरा एन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल। एन इज ट्रांसवर्सल, लगी बात समझ, क्लियर है इतना। अब इसके बाद आ जाओ सबसे पहले हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे हम बेटा 4 टाइप्स ऑफ एंगल्स डिस्कस करेंगे और उसमें से पहली टाइप है हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए एक शॉर्टकट बता रही हूँ, वो क्या है, जेड। अब ये जो जेड है ना, ये बेटा जेड ना किसी भी फॉर्म का हो सकता है, और जो ये जेड बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली, मतलब जो ये हमारी जेड की जो डंडियां ऊपर नीचे वाली, ये दोनों आपस में लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो होंगे जो ये जेड वाली फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब वो जेड चाहे इस फॉर्म का बने चाहे हमारा जेड ऐसा बन जाए। ठीक है, तो ये वाली दो लाइंस हमारी क्या होने वाली है, पैरेलल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए हमने क्या याद रखना है, जेड। ठीक है, अब चलो अगर अपन नॉर्मली देखें बेटा, ये दो पैरेलल लाइंस होगी, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से बन जाएंगे, ये बन जाएगा, ये देखो यहाँ पे जेड बन रहा है जेड। yes, तो यहाँ पे मेरा एंगल वन और एंगल टू क्या हो रहे हैं, इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल टू। ठीक है, अब मान लो ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, अब यहाँ पे ऐसे जेड बन रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो जहाँ पे मेरा मार्कर जा रहा है, ये जेड है, तो ये वाली दो लाइंस आपस में पैरेलल भी है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये वाले दो एंगल्स हमारे कौन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मेरा एंगल 3 और 4 भी क्या होएगा, इक्वल। ठीक है, जहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा है वहां पे कौन से एंगल्स बन जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मतलब एक एंगल हमारा राइट साइड पे है तो दूसरा एंगल हमारा लेफ्ट साइड पे, देखो ये राइट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे, पर है दोनों इंटीरियर में, तभी तो इंटीरियर एंगल्स है, दोनों ही इंटीरियर में पड़ते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो हमारे एंगल्स हैं बेटा वो क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर थे तो अंदर की बात कर ली, अब अल्टरनेट इंटीरियर पता लग गए, ऐसे अब एक्सटीरियर करेंगे एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब कैसे बनेंगे ये एंगल्स देखना, हमने अल्टरनेट इंटीरियर कौन से बोले, एंगल 1 एंड एंगल 2 बोला अल्टरनेट इंटीरियर। अब 1 के बाहर वाला एंगल कौन सा, ये है, एंड 2 से बाहर एंगल कौन सा, ये है। अब ये दोनों कौन से हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको अब 1 और ये वाला एंगल हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल। बात समझ आ गई, पहले
ये देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये देखो हमारी ये वाली दो लाइंस पैरेलल भी है, जेड फॉर्म हो रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर से बाहर वाला एंगल मार्क करो, वो क्या बन जाएगा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है। अच्छा अब दूसरा पेयर बनाते हैं, तो दूसरा पेयर बनाने के टाइम देखो ये अब जेड बन रहा है, इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं ताकि हमारा वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ऐसे ये जेड बन रहा है, तो ये वाले दो मेरे क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर अब इसके बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर, ये 3 हो गया। अब इससे बाहर वाला एंगल ये हो गया 4, तो मेरा यहाँ पे एंगल 3 और 4 भी क्या होंगे? इक्वल। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनाने से पहले आप पहले इंटीरियर बना, इंटीरियर से बाहर वाले मार्क कर, ठीक है, समझ गए बात। वैसे तो ये वाली टाइप ना बेटा यूज होती है बट कम ही यूज होती है, बट स्टिल तुम्हें पता वो होना ही चाहिए कि अगर लाइन पैरेलल है तो हमारे कौन से टाइप से एंगल इक्वल आ। बात समझ गए? yes, किसी को कोई डाउट? ऑल्टरनेट इंटीरियर समझ आया? एक्सटीरियर? यस मैम। नो डाउट, ठीक है। ये दो टाइप समझ आ गई बेटा सभी को। ऑल्टरनेट इंटीरियर के टाइम हमने क्या याद रखना है? जेड। जहाँ पे जेड बन रहा है उसके अंदर वाले जो दो एंगल्स होंगे, मतलब वन ऑन द लेफ्ट एंड अदर ऑन द राइट, and if one is on the right then other will be on the left. और यहाँ पे ये जो z बनाने वाली ऊपर नीचे वाली जो लाइन जाएगी ये आपस में क्या होंगी? parallel. alternate interior angles are equal and alternate exterior angles are also equal. ठीक है, अब यहाँ पे exterior बनाने के लिए क्या याद रखना है कि पहले हमने interior ये रहे, इंटीरियर से बाहर वाला एंगल और इधर से भी इंटीरियर से बाहर वाला एंगल, तो ये 1 और 2 क्या हो गए? alternate exterior angles. और यहाँ से इस ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इससे बाहर वाला एंगल 3 हो गया, इससे बाहर वाला एंगल 4 हो गया, तो ये वाले दो एंगल्स क्या हो गए? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड टाइप पे, पर इसमें तुमने ध्यान क्या रखना है कि तुम्हारी लाइंस क्या होनी चाहिए? अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं है, लाइंस कौन से पैरेलल? जैसे कि जेड बनाने के टाइम ये वाली दो लाइंस हमारी क्या होनी चाहिए? पैरेलल। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, सिमिलरली ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। अब यहीं से दो रिजल्ट्स में इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के सुन लो। If alternate exterior angles are equal, the lines are parallel. Vice versa result है बेटा। अगर line parallel है तो alternate exterior angle equal. अगर line parallel है तो alternate interior angles equal. If alternate interior angles are equal, then lines are parallel. And if alternate exterior angles are equal, then lines are parallel. Vice versa result है। ठीक है, अगर एंगल्स इक्वल कर दिए तो लाइंस पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल गिवन है तो हम एंगल्स इक्वल कर देंगे, ठीक है। बट सारे एंगल्स इक्वल नहीं कर रही है ना, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लाइन वो इंटरसेक्टिंग वाली लाइंस का रिजल्ट है, ठीक है। बात समझ आई? ओके चलो इसके बाद चलते हैं अब थर्ड टाइप, विच आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के टाइम तुमने क्या याद रखना है? एफ। अब वो F जैसा मर्जी बन जाए, अब F का एक एंगल मतलब अंदर की तरफ और दूसरा एंगल बाहर की तरफ, और ये F की जो दो डंडी है ये आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग के टाइम हमने याद रखना है F। देखो अब ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, अब ध्यान से देखना है F कहाँ कहाँ बन रहा है। ये देखो यहाँ पे F बन रहा है, ठीक है, तो ये मेरा एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे आपस में? इक्वल, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा F बन रहा था, तो ये दो दो लाइंस हमारी है भी क्या? पैरेलल ही है, ठीक है। अच्छा चलो अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं। अब F मैंने तुम्हें क्या बोला? जैसा मर्जी बन जाए, अब यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा जैसा मर्जी बने, ठीक है, ये हमारा उल्टा F बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से एंगल्स आ जाएंगे? एक एंगल अंदर की तरफ, दूसरा एंगल बाहर की तरफ, ये दोनों भी आपस में इक्वल। मेरा एंगल 1 है, ये 2, इधर 1 मारो इसको 2 मारो, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे क्या होते हैं बेटा? इक्वल। मेरा एंगल 1 और एंगल 2 क्या जाएगा? इक्वल जाएगा। अच्छा चलो एक और हम सिनेरियो करते हैं। चलो अब यहाँ पे मान लो F हमारा क्या बन रहा है?
बिल्कुल रिवर्स, ठीक है। एक एंगल हमने बाहर की तरफ बनाया, दूसरा एंगल अंदर की तरफ, ये F बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल वन और टू यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। और तुमने जब अपनी कॉपीज में भी बनाना ना बेटा, F को हाईलाइट करके बनाना, ठीक है। इजीली ध्यान में आ जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के टाइम F इक्वल, और अल्टरनेट इंटीरियर तो सेम याद रखना। इंटीरियर की हेल्प से हमने एक्सटीरियर बना लेने हैं, ठीक है। चलो अब हमारा एक और आ गया लास्ट, ये यहाँ पे भी अब मैंने F को हाईलाइट कर दिया है, ये F बन रहा है, तो ये वाले दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे मैंने हर जगह एंगल वन और टू मार्क करा है, बिकॉज इन सब में ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड दे आर इक्वल। यस, बिकॉज मेरी ये जो F वाली जो हमने बोला था कि F वाली ये जो डंडियां सी होंगी, F बनाने के लिए ऊपर नीचे ऐसे डंडी डंडी होती है ना, जो वो पैरेलल। एक्चुअल में ये क्या है हमारे यहाँ पे लाइन, एंड दीज लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल हैं, दोनों भी पैरेलल। बात समझ आ गई? Yes, किसी को कोई डाउट? No, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर के टाइम मैंने तुम्हें बेटा क्या बोला है कि एक एंगल लेफ्ट की तरफ है तो दूसरा राइट। कॉरेस्पॉन्डिंग में मैंने तुम्हें क्या, पर दोनों एंगल कहाँ है, अंदर की तरफ ही है, तभी ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर, ठीक है। एंड मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग के टाइम तुम्हें क्या बोला है कि एक एंगल बाहर है तो दूसरा एंगल अंदर है। लगती बात समझ? ठीक है। अब नेक्स्ट फोर इंटीरियर एंगल, और इनको हम और नाम क्या देते हैं, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे भी हमने क्या बोला कि दो लाइंस क्या है आपस में पैरेलल। अब अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, दिस इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब को इंटीरियर मतलब दोनों एंगल्स कहाँ आने हैं, अंदर, ठीक है। और अंदर कैसे, ये मेरे दो एंगल्स, एंगल वन एंड एंगल टू, बात समझे, ठीक है। एंगल वन एंड एंगल टू यहाँ पे ये बनेगा ऐसे, पर ये इक्वल नहीं होते, दे आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब समझते हो कि सम क्या आएगा, 180, ठीक है। यहाँ पे मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अब तुम इसको चाहे बेटा C याद रख लो, C कैसे, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब C का ये वाला और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, पैरेलल, ठीक है। सिमिलरली हमारा यहाँ पे दूसरा केस बन सकता है जिसमें ये ऐसे सी है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली दो लाइंस पैरेलल है, ये एंगल वन एंड दिस इज एंगल टू, एंगल वन प्लस टू यहाँ पे भी क्या होएगा, 180। और इनको हम क्या बोलते हैं, और ध्यान से देखो, देखो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ये है, ट्रांसवर्सल के दोनों ही एंगल क्या है, सेम साइड पे, मतलब या तो दोनों राइट की तरफ है या तो दोनों लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। ये भी को इंटीरियर एंगल्स है, ये भी को इंटीरियर एंगल्स है, और हम इनको क्या बोलते हैं, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर हम इनको एलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। बट ये इक्वल नहीं होते, दे आर सप्लीमेंट्री, बात समझ गए। चलो अब अभी तक जितना हमने किया उसका रिजल्ट कंक्लूड करें। If lines are parallel, then alternate interior angles are equal. If lines are parallel, then alternate exterior angles are equal. If lines are parallel, then corresponding angles are equal. And if lines are parallel, then co-interior angles are supplementary. मतलब जो equal वाले हैं वो alternate interior, alternate exterior, corresponding angles. ठीक है? ये equal हैं, but co-interior angles का सम कितना है? 180. ओके okay, मतलब ये लाइंस पैरेलल होंगे तो ये चलेंगे रिजल्ट। अच्छा अब अगर वाइस वर्सा करते हैं, वाइस वर्सा मतलब उल्टा करते हैं, इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, इफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, इफ कोइंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन
पैरेलल लाइंस आर पैरेलल या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं इफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन लाइंस आर पैरेलल डन किसी को कोई डाउट चलो अब इसको मैं इरेज कर दूं नोट हो गया ये सभी का यस अब हमने यहां पे ना दो पैरेलल लाइंस ले ली बेटा ठीक है और मैं यहां पे एंगल्स मार्क कर रही हूं 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ठीक है अब यहाँ पे मैं क्या मान के चली हूँ मैं यहाँ पे ये मान के चली हूँ कि मेरे ये L और M लाइन आपस में क्या है पैरेलल है एंड N इज द ट्रांसवर्स ये मान के चले हैं ठीक है अब आपने क्या करना है आपने मेरे को बताने हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें से कौन कौन से हैं यस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स बताओ कौन कौन से पॉसिबल आप 9th क्लास में हो एंगल 3 और 7 है बिल्कुल सही आगे एंगल 1 एंड एंगल 5 बिल्कुल सही आगे 4 एंड ठीक है तो हमारे पास ये चार पेयर्स आगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के किसी और के दिमाग में कुछ और आ रहा है या ये क्यों आए किसी को कोई डाउट है देखिए बेटा हमने यहाँ पे एफ भी बनाया है 2 और 6 था यहाँ पे ठीक है सिमिलरली अगर मैं ऐसा एफ बनाऊंगी तो 3 और 7 हो जाएगा अगर मैं ऐसा एफ बना दूंगी तो 5 और 1 हो जाएगा और जब मैं ऐसा एफ बना दूंगी तो 8 और 4 हो जाएगा ठीक है चलो अब नेक्स्ट मुझे बताओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं 2 and 8 बिल्कुल सही और 3 and 5 बिल्कुल सही तो एक पेयर है हमारा 2 and 8 दूसरा पेयर है हमारा 3 और 5 ठीक है जी नेक्स्ट और कोई पेयर तो नहीं पॉसिबल नो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बता दो अब इंटीरियर के बाद ही एक्सटीरियर की बात करती हूँ मैं हमेशा अब देखो 2 का एक्सटीरियर क्या है 1 और 8 का एक्सटीरियर क्या है 7 ठीक है अब आगे 3 का एक्सटीरियर 4 और 5 का एक्सटीरियर 6 बिल्कुल सही 5 का एक्सटीरियर 6 ठीक है अब लास्ट हमारा क्या बचा को इंटीरियर एंगल अब यहाँ पे ना बेटा एक चीज मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे ना को इंटीरियर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग में बच्चे बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं को इंटीरियर सप्लीमेंट्री होते हैं ठीक है ध्यान रखना और को इंटीरियर एंगल्स को और क्या बोलते हैं एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हां जी कौन से एंगल हैं 2 एंड 5 और यहां पे एंगल 2 प्लस 5 का सम कितना आ रहा है 3 ठीक है ये हमारा आज का सारा टॉपिक का ब्रीफ हो गया किसी को कोई डाउट नो मैम